है दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हम आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट देख रहे थे। तो मैंने आपको आर्मेचर रिएक्शन का मीनिंग बताया, आर्मेचर रिएक्शन मैंने आपको वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करके समझाया कि आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर का एमएमएफ होता है जो कि फील्ड एमएमएफ से 90 डिग्री पे होता है। और इसके हमने ड्रॉबैक्स देखे, यानी इससे स्पार्किंग होती है, ये वेवफॉर्म को डिस्टॉर्ट करता है, ये आयरन लॉसेस बढ़ाता है, ये सारे हमने ड्रॉबैक्स भी इसके देखे। फिर हमने बोला आर्मेचर रिएक्शन कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, ब्रशेस को शिफ्ट कर दो जनरेटर की रोटेशन के डायरेक्शन में या मोटर की रोटेशन से ऑपोजिट। लेकिन उससे क्या हुआ, ब्रशेस शिफ्ट करते ही एमएनए और आगे शिफ्ट हो गया, इस वजह से हम एमएनए पे ब्रशेस को कभी भी नहीं रख पाते हैं। लेकिन अगेन ब्रशेस को शिफ्ट करना प्रैक्टिकली फीजेबल नहीं है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर करेंट पे डिपेंडेंट है, और जब जब करेंट चेंज होगा एफएआर चेंज होगा, एफएआर चेंज होगा तो ब्रशेस की पोजीशन को हमें चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि जब कभी ब्रशेस को रीलोकेट करोगे तो एमएनए फिर से शिफ्ट हो जाएगा, तो इसीलिए इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। तो मैंने बोला था प्रैक्टिकली क्या करते हैं, इंटरपोल या कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम इंटरपोल और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के बारे में ही बात करेंगे और पूरा बेसिक से समझेंगे कि किस तरह से इंटरपोल और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर रिएक्शन कम करने के काम में आते हैं। तो पहले मैं अपना डिस्कशन शुरू करूंगा इंटरपोल्स से। अब देखो इंटरपोल्स का मतलब क्या है, जैसे नाम से मालूम चल रहा है, इंटर माने बिटवीन और पोल्स माने जो हमारे फील्ड वाइंडिंग के पोल्स हैं। तो इंटरपोल क्या होते हैं, ऐसे पोल जो फील्ड वाइंडिंग के पोल्स के बीच में बनाए जाते हैं। यानी जो तुम अभी तक फील्ड वाइंडिंग के नॉर्थ साउथ दिखा रहे थे, अगर उसके बीच में भी पोल्स बनाए जाएं तो दे विल बी कॉल्ड एज इंटरपोल। तो इंटरपोलर रीजन क्या होता है, द रीजन बिटवीन द टू फील्ड पोल्स इज कॉल्ड एज इंटरपोलर रीजन। नहीं तो ऐसा कह दो जो क्यू एक्सिस होती है उसे इंटरपोलर रीजन कहते हैं। तो क्यू एक्सिस पे भी अगर पोल्स बनाओगे दे विल बी कॉल्ड एज इंटरपोल्स। तो इसमें लिखना द रीजन बिटवीन टू मेन फील्ड पोल्स इज कॉल्ड एज इंटरपोलर रीजन, और द क्यू एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरपोलर रीजन, इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरपोलर रीजन। नेक्स्ट पॉइंट, इफ पोल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन इंटरपोलर रीजन दे आर सेट टू बी इंटरपोल्स, दे आर सेट टू बी इंटरपोल्स। अब देखो हमने क्या कहा था कि ब्रशेस को क्यू एक्सिस पे क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जो कॉइल कम्यूटेट होती है वो किस पे लाई करती है, क्यू एक्सिस पे। लेकिन क्या हुआ था, जब एमएनए शिफ्ट हो गया था तो क्यू एक्सिस यानी कि जीएनए पे जीरो ईएमएफ नहीं था, तो जो कॉइल कम्यूटेट हो रही थी उसका ईएमएफ नॉन जीरो था, जिस कारण से आ रही थी स्पार्किंग। तो अब मैं क्या चाहता हूं, जो कॉइल कम्यूटेट हो उसका ईएमएफ मैं जीरो करना चाहता हूं, और उसका ईएमएफ अगर मैंने जीरो कर दिया तो मैं स्पार्किंग को अवॉइड कर सकता हूं। तो इसमें लिखना द कॉइल बीइंग कम्यूटेटेड लाइज अलोंग जीएनए बट ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन एमएनए इज शिफ्टेड फ्रॉम जीएनए, सो ईएमएफ इन द कॉइल बीइंग कम्यूटेटेड इज नॉन जीरो and hence sparking occurs। ये चीज मैंने बताई भी थी ना, आर्मेचर रिएक्शन जब आ गया था तो जीएनए पे फ्लक्स डेंसिटी नॉन जीरो हो गई थी। अगर जीएनए पे फ्लक्स डेंसिटी नॉन जीरो है तो वहां ईएमएफ भी नॉन जीरो होगा। तो जिस कॉइल को तुम शॉर्ट सर्किट कर रहे हो उसमें नॉन जीरो ईएमएफ होने के कारण वहां हाई करेंट बनेगा और वहां आएगी हमारी स्पार्किंग, ऐसा ही होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, जिस कॉइल को कम्यूटेट करना है यानी जीएनए वाली कॉइल को, अगर उसका ईएमएफ जीरो कर दें तो स्पार्किंग अवॉइड की जा सकती है। अब उसमें ईएमएफ आ किस कारण से रहा था, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से आ रहा था। अगर वहां मैं आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल कर दूं देन वी कैन कैंसिल द ईएमएफ। तो एक पॉइंट और लिखो, द ईएमएफ बीइंग इंड्यूस्ड इन द कॉइल
across, sorry, at GNA is due to armature reaction, is due to armature reaction. So if we can cancel, armature reaction along Q axis, we can make EMF in the coil at GNA zero. अब देखो कैसे, क्या करते हैं, सर्कुलर मशीन है अपनी, ठीक है, ये मैंने पहले स्टेटर बना लिया. अब मैं दो ही पोल की मशीन ले लेता हूं, जैसे अभी तक हम लेते भी आए हैं. ठीक है, दो पोल्स हो गए, ये हो गया अपना आर्मेचर. अब मेरी बात समझना, देखो यहां सपोज नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल, यहां रखे हैं अपने ब्रश. अब हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से रोटेशन ले लेते हैं, हम दिखाते हैं. जनरेटर की रोटेशन इधर जी से लिख रहा हूं, मोटर की रोटेशन अपोजिट. ठीक है, दोबारे से V क्रॉस B से डिराइव नहीं कर रहा हूं, हम कई बार डिराइव कर चुके हैं कि V क्रॉस B से नॉर्थ के नीचे क्रॉस आ जाते हैं, साउथ के नीचे डॉट्स आ जाते हैं. अब इसकी वजह से आर्मेचर का MMF कैसे बनता है, क्रॉस से करंट अंदर जा रहा है, डॉट से बाहर आ रहा है, तो नीचे बनता है ना, तो आर्मेचर की जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो नीचे आती है. अब यही तो Q एक्सिस है और यही वाली कॉइल जो है वो कम्यूटेट हो रही होगी और इस पे आर्मेचर का MMF नीचे आ रहा है. अगर इसके अलोंग आर्मेचर का MMF आ रहा है तो वो इसके अंदर EMF प्रोड्यूस करेगा. अब उस EMF को कैंसिल करना है, तो EMF को कैंसिल करने की जगह क्या करो, या आर्मेचर के MMF को ही कैंसिल कर दो. तो अगर आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स है, इसे कैंसिल करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे वो किस तरफ होगी, अपवर्ड्स. मेरी बात समझ आई, सबसे पहले हमने पोल्स बनाए, करंट इंड्यूस कराया डॉट क्रॉस, आर्मेचर MMF बनाया. अब मैंने बोला जहां ब्रशेज है वही कॉइल कम्यूटेट हो रही है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए हमें बनानी पड़ेगी अपवर्ड्स. अपवर्ड्स कैसे बनाओगे, यहां दो नए पोल्स क्रिएट करके, ये नॉर्थ और ये साउथ. अब देखो नॉर्थ से साउथ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड जब, तो ये बनेगा एफ इंटरपोल. ठीक है, एफ इंटरपोल आर्मेचर रिएक्शन से अपोजिट आएगा. मेरी बात क्लियर हुई, तो Q एक्सिस पे जो नए पोल तुमने क्रिएट किए हैं दे आर सेट टू बी इंटरपोल्स. ठीक है, तो इसमें लिखना इंटरपोल्स आर लॉन्ग एंड नैरो पोल्स प्लेस्ड इन द इंटरपोलर रीजन टू कैंसिल आर्मेचर रिएक्शन इन इंटरपोलर रीजन, टू कैंसिल आर्मेचर रिएक्शन इन इंटरपोलर रीजन. ठीक है, अब बात है इंटरपोल की पोलैरिटी कैसे डिसाइड होती है. मैंने बेसिक सा मेथड बताया, आर्मेचर रिएक्शन बना लो, आर्मेचर रिएक्शन बनाने के बाद इंटरपोल की मैग्नेटिक फील्ड उससे उल्टी होगी. बट जनरल ऑब्जर्वेशन अगर देखें, जनरेटर की डायरेक्शन में देखो, पहले इंटरपोल का साउथ आया, फिर फील्ड पोल का साउथ आया, पहले इंटरपोल का नॉर्थ आया, फिर फील्ड पोल का नॉर्थ आया. यानी इंटरपोल की पोलैरिटी कैसी है, अगले वाले फील्ड पोल जैसी. जनरेटर की डायरेक्शन में देखो ना, क्लॉकवाइज,
अगला कौन सा पोल आएगा? साउथ, तो ये साउथ है। अगला कौन सा पोल आएगा? नॉर्थ, तो ये क्या है? नॉर्थ, अगर क्लॉकवाइज चले। ठीक है, ऐसे मोटर से सोचो तो उल्टा है, पिछला पोल साउथ तो ये भी साउथ, पिछला पोल नॉर्थ तो ये भी नॉर्थ, इस तरह जाओगे ना मोटर में तो, और जनरेटर में जा रहे हो ऐसे। तो जनरेटर में इंटर पोल से अगला पोल देखना है और मोटर में इंटर पोल से पिछला पोल देखना है। तो यही लिखो, द पोलैरिटी ऑफ इंटर पोल, द पोलैरिटी ऑफ इंटर पोल मस्ट बी सेम एज द मेन फील्ड पोल अहेड ऑफ इट, मेन फील्ड पोल अहेड ऑफ इट इन केस ऑफ जनरेटर, इन केस ऑफ जनरेटर एंड द मेन फील्ड पोल बिहाइंड इट इन केस ऑफ मोटर, मेन फील्ड पोल बिहाइंड इट इन केस ऑफ मोटर। बात समझ आई? जनरेटर जब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये वाला नेक्स्ट है, ये प्रीवियस है, तो इस पोल की पोलैरिटी अगले पोल जैसी है। मोटर में उल्टा घूम रहा है तो ये पिछला पोल बना, तो पिछले पोल जैसी है। ठीक है, बस इतना है। और इसको भी नहीं भी रटोगे ना तो भी चलेगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉ करके भी निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद बात यह आती है कि देखो आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, ये होता है एन ए आई ए। ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे आर्मेचर एमएमएफ ना, ऐसे लिख लो जैसे कल हमने देखा था ना लास्ट वीडियो में, आई ए बाय ए इंटू जेड बाय टू पी, ये था ना आर्मेचर एम्पियर टर्न्स पर पोल। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं यहां पे कि आर्मेचर का एमएमएफ आईए के प्रोपोर्शनल है और इंटर पोल के एमएमएफ को इसे कैंसिल आउट करना है। अब एक चीज सोचो, आर्मेचर का एमएमएफ आईए बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा और इंटर पोल इसे कैंसिल करना चाहता है, तो हम ये कहेंगे इंटर पोल का एमएमएफ भी आईए के साथ साथ बढ़ना चाहिए तभी वो इसे कैंसिल कर पाएगा। तो हम क्या कहेंगे, टू कैंसिल एफ ए आर, एफ इंटरपोल शुड ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू आई ए। मेरी बात वाली क्लियर हुई? क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन आई ए के साथ साथ बढ़ता है तो इंटरपोल का एमएमएफ भी बढ़ना चाहिए। अब देखो ये इंटरपोल साउथ है, साउथ माने मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, अंदर माने डॉट क्रॉस कैसे आएंगे, इधर क्रॉस तो इधर डॉट, ऐसे ही तो आएगा क्रॉस डॉट। नॉर्थ माने बाहर, बाहर माने इधर क्रॉस तो इधर डॉट। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं इसका एमएमएफ आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल रहे, इसीलिए जो वाइंडिंग है ना ये ब्रशेस से जुड़ी होती है, यानी कि ब्रश तो आर्मेचर पे लगे हैं और ब्रश के सीरीज में ही क्या है, इंटरपोल की वाइंडिंग, तो इसीलिए इंटरपोल की वाइंडिंग में करंट कौन सा जाता है, आईए, यानी इंटरपोल वाइंडिंग शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर और विद द ब्रशेस इन ऑर्डर टू कैरी आर्मेचर करंट। तो इसमें लिखना, टू कैंसिल आर्मेचर एमएमएफ इंटरपोल एमएमएफ शुड बी प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट फॉर विच इंटरपोल वाइंडिंग मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग और इन सीरीज विद द ब्रशेस और इन सीरीज विद द ब्रशेस। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में ही कनेक्ट होगा ताकि आर्मेचर और इंटरपोल दोनों का ही एमएमएफ किसके प्रोपोर्शनल आ जाए, आईए के। अब अगली बात हम करते हैं इसकी शेप की, कि इसकी जो शेप होती है ना ऐसे होती है, लंबा होता है लेकिन आगे से नैरो होता है। अब यहां से जो नैरो है तो क्वेश्चन बनता है, भाई इसको ऐसा ही क्यों नहीं बनाया फील्ड पोल जैसा, इसको नैरो क्यों बनाया? इंटरपोल का काम है कि जो कॉइल कम्यूटेट हो रही है उस कॉइल के अंदर ईएमएफ जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो जो भी ईएमएफ आर्मेचर रिएक्शन से बने उस ईएमएफ को कैंसिल कर दो
ताकि स्पार्किंग ना हो। लेकिन इसका फोकस कौन सी कॉइल पे है, जो कम्यूटेट हो रही है। तो आगे से नैरो करके हम क्या कर लेते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड सारी कॉइल्स तक ना पहुंचे, सिर्फ उस कॉइल तक पहुंचे जो कम्यूटेट हो रही है। इसीलिए इसको क्या रखते हैं, नैरो। तो इसमें लिखना, इंटरपोल्स आर कैप्ट नैरो सो दैट देयर इंफ्लुएंस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट स्प्रेड टू नेबरिंग कॉइल, ठीक है, बाकी आजू बाजू वाली कॉइल तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड ना पहुंचे। बात क्लियर हुई? लेकिन अब चलो ये बात भी ठीक है, नैरो है तो ये पूरा नैरो क्यों नहीं है, हमने ऐसा टैपर्ड क्यों बनाया, बकेट टाइप स्ट्रक्चर क्यों बनाया। क्या होता है ना, नैरो कर देने से जितना एरिया कम होगा, तो MMF तो NI है, एरिया अगर कम करोगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, एरिया कम करने से रिलक्टेंस बढ़ती है। देखो क्या होता है ना, ऐसे सोच लो, अगर एरिया रिड्यूस होगा तो सेम फ्लक्स के लिए बी इंक्रीज होगा, और बी इंक्रीज होने से इट कैन कॉज सैचुरेशन। अब बात है सैचुरेशन में दिक्कत क्या है, चलो आ गया तो आ गया। सैचुरेशन में क्या होगा ना, इंटरपोल की मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो जाएगी, आर्मेचर रिएक्शन की तो आईए के साथ बढ़ेगी, लेकिन अगर इंटरपोल की कॉन्स्टेंट हो गई तो आईए के प्रोपोर्शनल नहीं रह जाएगा, और आईए के प्रोपोर्शनल नहीं रह गया तो इसे कैंसिल भी नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा, आईए के साथ साथ एफएआर तो बढ़ता रहेगा, लेकिन इंटरपोल की मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो जाएगी, तो इट वॉन्ट बी एबल टू कैंसिल आर्मेचर रिएक्शन। तो अगला पॉइंट ये लिखना, नैरो पोल्स और स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया मे कॉज हाई फ्लक्स डेंसिटी विच मे कॉज सैचुरेशन एंड इन दैट केस इंटरपोल मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी एबल टू कैंसिल आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। सो Interpoles are kept wider at the bottom to increase effective cross section area and avoid saturation, ठीक है। तो कभी कोई इंटरपोल की शेप के बारे में पूछे तो कहोगे आगे से नैरो इसलिए रहता है ताकि उसका इंफ्लुएंस कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन तक ही रहे, पीछे से चौड़ा इसलिए रखते हैं ताकि ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ जाने से क्या होगा कि सैचुरेशन अवॉइड हो जाएगा, और सैचुरेशन अवॉइड हो गया तभी वो आर्मेचर के एमएमएफ को कैंसिल कर पाएगा, ठीक है, वरना कैंसिलेशन नहीं हो पाता है। अब देखो क्या कर रहे हैं ना, जैसे हमने पहले डायग्राम बनाया था आर्मेचर रिएक्शन का, पूरा वैसे ही डायग्राम बना रहे हैं। पहले हम क्या करते हैं, फील्ड पोल्स बनाते हैं, ये एक पोल हुआ, ये हो गई डी एक्सिस, ठीक है, इसके पास में ये आ गई क्यू एक्सिस, फिर से इधर से डी एक्सिस, फिर से क्यू एक्सिस, और इधर से भी क्यू एक्सिस। इधर मैं दूसरा पोल बना लेता हूं, ठीक है, तो ये वाला पोल नॉर्थ और ये वाला पोल साउथ। अब ये जो क्यू एक्सिस है, क्यू एक्सिस पे क्या रखोगे,
इंटरपोल, देखो यहां आधा इंटरपोल दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने बताया था ना फर्स्ट और लास्ट वाली क्यू एक्सेस एक ही होती है, तो ये एक्चुअल में जब मशीन को सर्कुलर घुमाओगे ना तो ये पहला और आखिरी वाला इंटरपोल जुड़ करके पूरा एक इंटरपोल बनेगा। अब नीचे क्या बनाते हैं इसके आर्मेचर, आर्मेचर में हम क्या दिखाते हैं, नॉर्थ के नीचे तो क्रॉसेस दिखाए जाते हैं तो मैं ऐसे ही दिखा देता हूं, इसको ना करंट शीट बोल देते हैं, कि इस टाइप से दिखा दो कि पूरे में करंट फैला हुआ है और क्रॉसेस हैं, और फिर इधर दिखा दो कि साउथ के नीचे सारे डॉट्स हैं। अगर बारी बारी डॉट बनाने से बचना चाहते हो ना तो इस तरह से कंटिन्यूअस दिखा देते हैं, इट इज कॉल्ड एज करंट शीट। अब रोटेशन मानी जाती है, रोटेशन हम कैसे मानते हैं, जनरेटर की इस टाइप से और मोटर की ऑपोजिट, और चाहे तो जनरेटर की रोटेशन से ऑब्जर्व भी कर सकते हो, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स आएगी, वेलोसिटी राइट में मानी है तो वी क्रॉस भी अंदर आएगा, ठीक है। जनरेटर में हमने इंटरपोल्स की पोलैरिटी कैसे बताई थी, इंटरपोल की पोलैरिटी अगले पोल जैसी होती है, अगले पोल जैसी, जैसे इसके लिए अगला पोल है साउथ तो ये साउथ, इसके लिए अगला पोल है नॉर्थ तो ये नॉर्थ, ठीक है। और मोटर के लिए पिछले पोल जैसी, अगर मोटर लेफ्ट में जा रही है तो ये पिछला पोल देख के देखा जाएगा साउथ। अब बात है इससे फ्लक्स डेंसिटी कैसे बनती है, सबसे पहले मैं फ्लक्स डेंसिटी बना लेता हूं इंटरपोल की, देखो नॉर्थ के नीचे हम पॉजिटिव मानते हैं ना तो ऐसे आ जाएगी जहां तक बस इंटरपोल है, फिर साउथ के नीचे नेगेटिव, बहुत छोटे छोटे एरिया में रिस्ट्रिक्टेड रहेगी जितने एरिया में तुम्हारा इंटरपोल फैला हुआ है इस टाइप से, ठीक है। चाहे तो बीच में डिप भी दिखा सकते हो एयर गैप की वजह से, बट सिंपल सा फंडा ये है, ये क्या है अपना बी इंटरपोल। अब आर्मेचर रिएक्शन के अंदर जो हमने वेवफॉर्म पढ़ी थी बी की, वो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं और फिर ये बताऊंगा कि मॉडिफिकेशन कैसे होता है। बी की वेवफॉर्म जब हमने आर्मेचर रिएक्शन के साथ बनाई थी तो मैंने दो चीजें ऐड की थी, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए हमने पोल के एजेस भी देखे थे, तो कैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड आई थी मैं डॉटेड में ड्रॉ कर रहा हूं, नेगेटिव से शुरू हुई थी, मैंने बोला था फिर यहां से ये इंक्रीजिंग चलती जाती है, फिर डिक्रीज होना शुरू होती है और ऐसे ही जाती है, फिर ये वापस जीरो जाना शुरू होती है, इस टाइप से कुछ इस टाइप से हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ हुई थी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो ये नेगेटिव है और इंटरपोल की मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव है, ये इसे क्या कर देती है, यहां से हल्का सा पॉजिटिव कर देती है, बाकी ग्राफ को टच नहीं करती, बाकी ग्राफ एज इट इज चलता है। सेम वे में देखो यहां पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो ये इसको हल्का सा नेगेटिव ले जाएगी, ये डोमिनेट करेगी इस पे, ठीक है, बाकी ग्राफ को टच नहीं करती है। फिर यहां पे फिर से देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये इसको डोमिनेट करके हल्का सा पॉजिटिव ले आती है इस टाइप से। तो हुआ क्या, आर्मेचर रिएक्शन को इसने कैंसिल तो किया ही किया बट उसको डोमिनेट कर दिया तो यहां जीरो पे नहीं लाई। अब तुम्हें लगेगा भाई जीएनए पे तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी, जीएनए यही तो थी क्यू एक्सेस, ये क्यू थी ना,
यही तो हम बोल रहे थे, क्यू एक्सेस वाली कॉइल जो है कम्यूटेट होती है, ब्रशेस यही तो रखे हैं। लेकिन अभी देखो मैंने क्यू एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं की है, बल्कि क्या कर दी है, पॉजिटिव। उसका रीजन, कायदे से करनी तो जीरो चाहिए थी, बात मेरी समझ रहे हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड तुमने जीरो नहीं की है क्यू एक्सेस पे, यानी अभी भी उसके अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज इंड्यूस हो रही है, तो इससे कम्यूटेशन इंप्रूव कैसे हुआ? तो एक पॉइंट लिखना, इंटरपोल्स डू नॉट एग्जैक्टली कैंसिल आर्मेचर रिएक्शन अलोंग क्यू एक्सेस, बट इंटरपोल मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट्स आर्मेचर रिएक्शन फॉर विच वी मस्ट कंसिडर एन एडिशनल नंबर ऑफ टर्न्स इन इंटरपोल वाइंडिंग। अगर डोमिनेट करवाना है तो इंटरपोल वाइंडिंग के टर्न्स ज्यादा लेने पड़ेंगे। अब बात है क्यों, वाई। मैंने याद करो एक डिलेड कम्यूटेशन टॉपिक पढ़ाया था, और डिलेड कम्यूटेशन के अंदर मैंने क्या बोला था कि एक ईएमएफ और होता है कॉइल के अंदर, विच इज LCdI/dt। ये भी क्या कराता है, स्पार्किंग। और एक होता है रोटेशनल ईएमएफ, या मोशनल ईएमएफ कह सकते हो। अब क्या हो रहा था, पहले रोटेशनल ईएमएफ आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और LDI/dt जिसे हम कहते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज, ये आ रही थी इंडक्टेंस की वजह से। तो जब आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल कर रहे हो ना, तो तुम सिर्फ कैंसिल कर रहे हो BLV, लेकिन मुझे LDI/dt भी कैंसिल करना है, इसीलिए इंटरपोल की मैग्नेटिक फील्ड हल्की सी ज्यादा लेते हैं। तो अगला पॉइंट लिखना, इंटरपोल मैग्नेटिक फील्ड इज केप्ट हायर सो दैट इट नॉट ओनली कैंसिल्स रोटेशनल ईएमएफ बट ऑल्सो कंपेंसेट्स द रिएक्टेंस वोल्टेज एंड हेंस अवॉइड्स स्पार्किंग। ठीक है, तो उसे रिएक्टेंस वोल्टेज को भी काटना है, तो सिर्फ बी को कैंसिल करने से काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा वोल्टेज लो ताकि LDI/dt भी कट जाए। ठीक है, तभी तुम कह सकते हो कॉइल के अंदर नेट जीरो ईएमएफ आएगा, सिर्फ आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल नहीं करना। अब देखो इससे कम्यूटेशन वाला पार्ट तो अपना सुधर गया, लेकिन दिक्कत ये रह गई, अभी भी ये जो फ्लक्स डेंसिटी है फ्लैट टॉप्ड नहीं आई, ये डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्शन से मैंने नुकसान क्या बताया था कि जहां ये फ्लक्स डेंसिटी हाई है उस कॉइल का ईएमएफ भी ज्यादा होगा। कॉइल का ईएमएफ ज्यादा होने से कम्यूटेटर के दो सेगमेंट के बीच की वोल्टेज बढ़ जाती है, और वोल्टेज बढ़ने से बीच की माइका डैमेज हो सकती है, और इसी वजह से कम्यूटेटर कैन गेट डैमेज। तो इसमें लिखना, बाय द यूज ऑफ इंटरपोल्स कम्यूटेशन इज इंप्रूव्ड बट फ्लक्स डेंसिटी अंडर द पोल्स इज डिस्टॉर्टेड विच कैन कॉज हाई वोल्टेज अक्रॉस अ कॉइल एंड हाई वोल्टेज बिटवीन कम्यूटेटर सेगमेंट्स एंड कैन डैमेज माइका इंसुलेशन विच विल लीड टू स्पार्किंग अक्रॉस कम्यूटेटर। ठीक है, इसीलिए अगर कभी कोई पूछे इंटरपोल्स का काम क्या है, तो तुम ये नहीं कहोगे आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल करना, तुम कहोगे टू कैंसिल आर्मेचर रिएक्शन इन इंटरपोलर रीजन या अलोंग क्यू एक्सेस टू इंप्रूव कम्यूटेशन। और अगर कभी ऐसे दो ऑप्शन आ जाए, इंटरपोल्स का काम क्या है आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल करना या कम्यूटेशन इंप्रूव करना, तो बेहतर ऑप्शन रहेगा टू इंप्रूव कम्यूटेशन। ठीक है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल तो करता है, लेकिन बहुत छोटे रीजन के अंदर जिसका मेन ऑब्जेक्टिव कम्यूटेशन से रिलेटेड है। यह बात क्लियर हुई? तो आप देखो कभी भी अगर मैं पूछूं एफ इंटरपोल बड़ा होगा या FAR, तो तुम कहोगे भाई एफ इंटरपोल को डोमिनेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसे सिर्फ आर्मेचर रिएक्शन कैंसिल नहीं करना,
उसे एल डी आई बाई डी टी या रिएक्टेंस वोल्टेज को भी कैंसिल आउट करना पड़ेगा, इसके लिए उसकी वैल्यू ज्यादा ली जाती है। तो इंटरपोल्स के बारे में पॉइंट क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला मेथड जो हमने बोला था दैट वॉज कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। अब कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का काम यह होता है कि अंडर द पोल्स ये आर्मेचर के एमएमएफ को या आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करती है। तो क्यू एक्सिस पे कौन कैंसिलेशन दे रहा है, क्यू एक्सिस पे कैंसिलेशन मिल रहा है इंटरपोल से, और डी एक्सिस या पोल के नीचे कौन देगा, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। तो दोनों मिल करके नेट आर्मेचर रिएक्शन को खत्म करते हैं। तो इसमें लिखना द रोल ऑफ कंपेंसेटिंग वाइंडिंग is to cancel the effect of armature reaction under the poles. Next point, interpoles cancel armature reaction along Q axis and compensating winding under the poles. ठीक है, मैंने बताया था ना डिस्टॉर्शन से नुकसान क्या होता है कि पूरा कम्यूटेटर डैमेज हो सकता है। तो अब उस डिस्टॉर्शन को खत्म करने के लिए हम किसे लेके आएंगे, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। अब ये कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्या है, पहली बात तो ये भी एक कॉइल होती है, और ये कॉइल लगती कहां है, ये पोल फेसेस में लगती है। जो तुम नॉर्थ और साउथ पोल बना रहे हो उसी के अंदर एक और कॉइल लगाई जाएगी, दैट विल बी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। और दूसरी बात, अगर इसे आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल करना है, आर्मेचर रिएक्शन हमेशा आईए के प्रोपोर्शनल है, तो उसे कैंसिल करने के लिए इसका एमएमएफ भी आईए के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, इसीलिए इट इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। तो इसमें देखना कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इज एम्बेडेड इन द पोल फेसेस and since it has to cancel armature reaction, it should be connected in series with the armature so that it also carries armature current, अब देखो क्या होता है, जो पोल हम बना रहे हैं ना, अब उस पोल के अंदर स्लॉट्स दे दिए जाते हैं, पहले की तरह नहीं है कि पोल बस नॉर्थ पोल दिखा दिया और अपना काम हो गया। एक ही पोल देके समझा रहा हूं, ठीक है, दोनों पोल अभी नहीं दिखा रहा हूं, इस टाइप से आ जाएगा ना, ये आ गया। अब मान लो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड नीचे आती है, नीचे अगर आती है तो लेफ्ट से अंदर जाएगा करंट, ये फील्ड वाइंडिंग का करंट दिखा रहा हूं, और राइट से बाहर आएगा, ठीक है, ऐसे ही चलना चाहिए ना, नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगी तो लेफ्ट से करंट अंदर राइट से बाहर। अब इसके नीचे होगा हमारा आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर में भी अपने कंडक्टर्स होंगे, अब जनरेटर की रोटेशन क्लॉकवाइज मान ली जाती है, तो इस हिसाब से नॉर्थ के नीचे हमेशा क्या दिखाए जाते हैं, क्रॉस, अगर क्लॉकवाइज लेते हो, वरना वी क्रॉस बी से भी निकाल सकते हो, क्रॉस ही आएगा। कैसे निकालोगे, देखो ये जो ऊपर वाला कंडक्टर है इसकी वेलोसिटी राइट में, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो ब्लू वाला मार्कर तुम्हें क्या बता रहा है, वेलोसिटी, और ब्लैक वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो जरा वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आओगे तो अंदर आएगा वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी इज इनवर्ड्स। अब ये जो क्रॉसेस हैं इनकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी,
क्रॉस जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे दैट विल बी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज ही बनाएंगे ना भाई, इस टाइप से तो बनेगी। अब हमें क्या पता था कि आर्मेचर रिएक्शन सबसे ज्यादा डोमिनेट कहां करता है, पोल के एजेस पे, क्योंकि देखो जैसे नॉर्थ वाले पोल की मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऐसे आएगी ना, तो इस वाले एज पे तो ऐड हो जाएंगे दोनों और इस वाले एज पे दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हमने बोला भी था आर्मेचर रिएक्शन एक पोल टिप पे स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट देता है और दूसरे पोल टिप पे वीकनिंग इफेक्ट, तो मुझे ये जो एजेस पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना इसको कैंसिल आउट करना है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां वाइंडिंग लगाता हूं ऐसे डॉट, ये होती है तुम्हारी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग जो पोल के फेस के अंदर लगा दी जाए। अब डॉट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी बताओ, डॉट की बनेगी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले मैं डॉट की बनाता हूं, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी ना, ठीक है, इस टाइप से बन जाएगी। अब देखो क्या हो रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ये कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की है और ये नीचे है आर्मेचर रिएक्शन की, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इधर कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की नीचे और आर्मेचर की ऊपर है, अगेन दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्या करती है, पोल के जो एजेस हैं वहां वो आर्मेचर रिएक्शन की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देती है। तो लिखना एक ये वाला पॉइंट, आर्मेचर रिएक्शन इज मोस्ट डोमिनेंट एट एजेस ऑफ द पोल, इज मोस्ट डोमिनेंट एट एजेस ऑफ द पोल एंड द पोलैरिटी ऑफ कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इज सच दैट इट कैंसिल्स आर्मेचर रिएक्शन at the pole edges, it cancels armature reaction at the pole edges, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेना कि किस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। अब देखो जैसे इंटरपोल के लिए आर्मेचर रिएक्शन के लिए पूरा डेवलप्ड डायग्राम बनाया था, वैसा ही डेवलप्ड डायग्राम अब हम कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के साथ में बनाएंगे। फिर से उसी तरीके से लेंगे डी एक्सिस क्यू एक्सिस, अब मैं इंटरपोल और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग दोनों का यूज करूंगा। ये सबसे पहले आ गई क्यू एक्सिस, बराबर बराबर डिस्टेंस पे लाइन खींच लेना डी एक्सिस क्यू एक्सिस, डी एक्सेस क्यू एक्सेस, ठीक है, ये बन गई। अब डी एक्सेस पे हम पोल डिजाइन करते हैं, ठीक है, पोल बन गए। और क्यू एक्सिस पे क्या दिखाते हो, इंटरपोल ये बन गया, फिर इसके नीचे क्या बनाते हो, आर्मेचर की करंट स्ट्रिप,
ठीक है। अब ये वाला पोल नॉर्थ पोल रहता है, ये साउथ, और ये डायरेक्शन हो जाती है जनरेटर की। इसीलिए अगले वाले पोल को देख के इंटरपोल्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। फिर नॉर्थ के नीचे हम क्या दिखा देते हैं, क्रॉसेस, और साउथ के नीचे क्या दिखा देते हैं, डॉट। ये बन गया। अब बात है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की। मैंने बताया था अगर आर्मेचर में क्रॉस था तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग में डॉट दिखाया था, तो यहां दिखा दो इसी टाइप से डॉट। और यहां आर्मेचर में डॉट है तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग में क्रॉस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले ड्रॉ कर रहा हूं MMF, तीन चीजों का ड्रॉ करूंगा, आर्मेचर, इंटरपोल और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। तो पहले कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का ही बना लो, छोटा सा इस टाइप से आ जाता है, फिर इस टाइप से, फिर ऐसे, ये बन गया। अब आर्मेचर का कैसे आया था, आर्मेचर का ट्रायंगुलर होता है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है क्यू एक्सिस पे और जीरो वैल्यू होती है डी एक्सिस पे। तो आर्मेचर का जो एमएमएफ बनता है वो किस टाइप से बनता है, ये होता है अपना एफ ए आर। और मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी बताया था ना, करंट एनक्लोज्ड से आता है कि जब हम यहां पे जीरो ले रहे हैं तो दोनों तरफ करंट एनक्लोज बढ़ता जाएगा, बट क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ अपवर्ड होगी तो एक तरफ डाउनवर्ड होगी। तो जब दोनों तरफ बढ़ेगा तो इधर पॉजिटिव में बढ़ेगा और इधर नेगेटिव में, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था ट्राइंगुलर कैसे आया। अब बात है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की, उसके लिए क्या करना पड़ता है, पोल के एजेस को ना नीचे लाना पड़ता है, क्योंकि ये वाइंडिंग क्या है ना, चारों तरफ फैली हुई नहीं है, ये सिर्फ पोल के एजेस के अंदर अंदर है। तो डॉट और क्रॉस के हिसाब से बनेगा इसका भी ट्रायंगुलर, लेकिन ये वाइंडिंग सारे में नहीं फैली हुई तो परफेक्ट ट्रायंगल नहीं आता, बल्कि आ जाता है ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। अब ट्रेपेजॉइडल कैसे आता है, देखो अगर इतना एरिया लो तो करंट एनक्लोज हो गया सारा, फिर इतना एरिया लो तो भी सेम ही है करंट एनक्लोज। इसका मतलब पोल के बाहर कितनी भी बड़ी लूप बना लो करंट एनक्लोज फिक्स है, इसीलिए एमएमएफ भी हमारा फिक्स आएगा। बात मेरी क्लियर हो रही है, करंट एनक्लोज फिक्स तो एमएमएफ भी फिक्स। लेकिन इसके अंदर देखोगे अंदर कम करंट एनक्लोज है, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, तो इसीलिए एमएमएफ चेंज होता है। लेकिन अगर क्रॉस का तुमने अपवर्ड्स माना है तो डॉट का आएगा डाउनवर्ड्स। फिर पोल्स के बीच में कांस्टेंट रहेगा, फिर पोल के अंडर बढ़ेगा, फिर पोल्स के बीच में कांस्टेंट, इस टाइप से आता है। तो इट इज ए ट्रेपेजॉइडल इन नेचर। मेरी बात समझ आई, ट्रेपेजॉइडल क्यों आ रहा है, क्योंकि जब पोल के नीचे करंट एनक्लोज निकालोगे तो वो बढ़ता जाएगा, और पोल के बाहर जाओगे तो कितना भी बड़ा एम्पीरियन लूप बना लेना उसका करंट एनक्लोज कांस्टेंट रहेगा। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था इसकी वैल्यू आती है करंट एनक्लोज्ड बाय 2, कैसे मैंने बताया था, इंटीग्रल एच डॉट डीएल, करंट एनक्लोज आ जाता है, ठीक है। और यह होता है एयर गैप, ये एच डॉट डीएल हो जाता है 2hg, क्योंकि दो बार एयर गैप आता है ना एक लूप के अंदर, तो hg, इसी को एमएमएफ कहते हैं, ये हो जाता है आई एनक्लोज्ड बाय 2। तो मैं यही बोल रहा हूं, जब बड़ी लूप ले रहे हो तो करंट एनक्लोज कांस्टेंट है, इसीलिए एमएमएफ भी कांस्टेंट है, और जब छोटी से लूप बड़ी करते जा रहे हो तो करंट एनक्लोज बढ़ रहा है। अब देखो ये इंक्रीजिंग कर्व है, ये डिक्रीजिंग कर्व है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसी आती है, इसका मतलब है पोल के नीचे
पोल के नीचे आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल कर दिया कंपेंसेटिंग वाइंडिंग ने, ये इंक्रीजिंग तो ये डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग तो ये इंक्रीजिंग, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। अब देखो किस टाइप से आ जाती है, पोल के नीचे फ्लैट टॉप्ड आ जाती है और इंटरपोल में क्यू एक्सिस पे इंटरपोल की वजह से स्लाइटली नेगेटिव आती है। फिर पोल के नीचे फ्लैट टॉप्ड फिर इंटरपोल के नीचे हल्का सा पॉजिटिव, तो इस टाइप से हमारी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो बना लिया हमने वापस से फ्लैट टॉप्ड बिना कोई ब्रश शिफ्ट किए और ना ही कोई इसके अंदर अब हमारा पीक रह गया, ना ही कोई डिस्टॉर्शन रह गया और क्यू एक्सिस पे भी हमने रिएक्टेंस वोल्टेज को भी कैंसिल कर दिया और रोटेशनल ईएमएफ को भी। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है फॉर द केस ऑफ कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। और पोल का जितना एरिया होता है इसे क्या बोलते हो, पोल आर्क, और जितने एरिया में पोल की इन्फ्लुएंस होती है दो बार क्यू एक्सिस के बीच में इसे कहते हैं पोल पिच। ठीक है, एक पोल के नीचे का एरिया हमेशा पोल आर्क और टोटल दो बार क्यू एक्सिस के बीच में जो एरिया होता है दैट इज पोल पिच। मेरी बात यहां तक क्लियर है? अब देखो हमने ये बोला कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल दोनों ही आर्मेचर के सीरीज में लगाए जाते हैं, तो डीसी मशीन को कैसे दिखा दोगे? देखो ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, आर्मेचर मैंने बताया था सर्कुलर दिखाते हैं और उस पर ब्रशेज रख दिए जाते हैं। अब इसके सीरीज में ना दो वाइंडिंग आ जाएंगी आर्मेचर के, कौन कौन सी दो वाइंडिंग आ जाएंगी, एक तो कंपेंसेटिंग और एक इंटरपोल। ठीक है, तो इस तरीके से कंपेंसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल वाइंडिंग दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेना, बाय द यूज ऑफ कंपेंसेटिंग वाइंडिंग एंड इंटरपोल वी आर एबल टू डिराइव फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स डेंसिटी अंडर द पोल्स। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हुई? अब बात है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का एमएमएफ कितना लेना है, इसे क्या करना है, इसे पोल के नीचे आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल करना है। तो मैं कहता हूं आर्मेचर का एमएमएफ कितना है पर पोल, कैसे निकाला था, आई ए बाय ए, ये हर कॉइल का करंट है, कितने टर्न्स हैं, Z बाय टू, और एक पोल के नीचे Z बाय टू पी, ये है एम्पियर टर्न पर पोल। लेकिन एम्पियर टर्न पर पोल तो ये पोल पिच में हुआ, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग सिर्फ कितने एरिया में कैंसिल कर रही है, पोल आर्क में। अगर ये सिर्फ पोल आर्क में कैंसिल कर रही है पूरे पोल पिच में नहीं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं पोल आर्क, यानी पूरे टर्न्स मत लो या पूरा एमएमएफ मत लो, कितना हिस्सा ले लो पोल आर्क वाला, पोल आर्क बाय पोल पिच, आई ए बाय ए, जेड बाय टू पी। बात क्लियर है? कंपेंसेटिंग वाइंडिंग बीच के एरिया में कैंसिल आउट नहीं करती, सिर्फ पोल आर्क या पोल के नीचे नीचे कैंसिल करती है, इसीलिए पूरा एमएमएफ कैंसिल आउट नहीं होगा, सिर्फ कौन सा होगा, पोल आर्क बाय पोल पिच। ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हुई? तो इसके अंदर देखो हमने पिछले वीडियो के अंदर दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो डी मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स ब्रश शिफ्टिंग के बाद, एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, उसके अलावा एक फॉर्मूला ये आ गया कंपेंसेटिंग वाइंडिंग एमएमएफ। ये दो तीन फॉर्मूले हैं जो आर्मेचर रिएक्शन से रिलेटेड हैं, जिस पे कि वन मार्क डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये आर्मेचर रिएक्शन को अगर हमें समराइज करना है तो एक पॉइंट लिखना, ओवरऑल कम्यूटेशन कैन बी इंप्रूव्ड बाय फर्स्ट पॉइंट इंक्रीजिंग द ब्रश रेजिस्टेंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस सर्कुलेटिंग करेंट, ब्रश रेजिस्टेंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस सर्कुलेटिंग करेंट,
जिसे हमने रेजिस्टेंस कम्यूटेशन बोला था, दूसरा दूसरा लिखो, शिफ्टिंग ब्रशेस इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर रोटेशन एंड ऑपोजिट टू मोटर रोटेशन, ठीक है। तीसरा, बाय द यूज ऑफ इंटरपोल एंड कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, बाय द यूज ऑफ इंटरपोल एंड कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है। तो मशीन के अंदर अगर मैं बात करूं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डीसी मशीन के अंदर इतना मोर देन सफिशियंट है, और कंसेप्चुअली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर आर्मेचर रिएक्शन। बाकी कंस्ट्रक्शन अलग अलग एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली कंस्ट्रक्शन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारा कंसेप्चुअल पार्ट यहीं खत्म होता है। अब आगे जो भी हम बातें करेंगे वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, एक्सप्रेशंस देखेंगे, फॉर्मूले देखेंगे, इक्वेशंस देखेंगे, और वही तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। तो आगे की बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।